हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हयात वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम लोग बोलते हैं 2D मोशन। और मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको उसके ऊपर बताए थे, और ये भी बताया था कि भाई मोशन इन अ प्लेन होता क्या है, जहाँ पर दो कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, और किसी भी मोशन की इक्वेशन को एक्स की डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, मोशन की इक्वेशन को वाई की डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सभी बातें मैंने आपको बताई थी। बच्चों, होप सो कि आपको वो सभी बातें अच्छे से समझ आई हों और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जितना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है ना स्टूडेंट, उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लेकर आए हैं, जो आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से क्लियर करेगी। हम लोग पढ़ रहे हैं 2D मोशन, मोशन इन ए प्लेन, ये मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंडीशन क्या है अपने पास में। देखो बच्चों, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चार चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक का नाम होता है UX, UX का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फिर आपको निकालना होगा UY, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फिर आपको निकालना होगा AX, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और फिर आपको निकालना होगा AY, यानी एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यही नहीं आगे चलकर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी और सर्कुलर मोशन में भी, बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो ये चार टर्म आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अब हमारा जो काम है ना स्टूडेंट, वो ये है कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर हमें इन चार चीज़ों की वैल्यूज़ को निकालना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज़ को हम निकालेंगे। UX, UI, AX, AY, चलिए देखिए। ए पार्टिकल इज गिवेन वेलोसिटी 3 meter per second अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, ए पार्टिकल इज गिवेन वेलोसिटी 3 meter per second अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 3 meter per second। आया समझ में बच्चों? उसके बाद सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन 4 meter per second square अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी जो एक्सीलरेशन है वो वाई की डायरेक्शन में है और वो है 4 meter per second square। साफ साफ प्रॉब्लम की लैंग्वेज में बोल रखा है एक्सीलरेशन वाई की डायरेक्शन में है और वो है 4 meter per second square। हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 second के बाद, After 2 second डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, वेलोसिटी तो आपको दे रखी है एक्स की डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन आपको दे रखा है वाई की डायरेक्शन में, दे रखा है ना। ना तो आपको वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में दे रखी है, ना आपको एक्सीलरेशन एक्स की डायरेक्शन में दे रखा है। प्रॉब्लम की लैंग्वेज में तो कहीं भी नहीं दिया है बच्चों, इसीलिए हम UY को मानकर चलेंगे 0 और AX को भी मानकर चलेंगे 0। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि हम UY और AX दोनों को 0 मानकर चलेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें गिवन ही नहीं है। हमें प्रॉब्लम की लैंग्वेज में सिर्फ ये और ये वैल्यू गिवन है, ये दो नहीं है, तो हमने इन दोनों को 0 लेट कर लिया है। अब टाइम देखिए कितना है हमारे पास में स्टूडेंट, भाई टाइम की जो वैल्यू है हमारे पास में बच्चों, वो हम लोगों को दे रखी है 2 second, टाइम हम लोगों को दिया है 2 second। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? वेरी इजी, बहुत आसान तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू होती है बच्चों ये UXT + 1/2 AXT². फिर हम निकालेंगे वाई की वैल्यू UYT + 1/2 AYT². ओके स्टूडेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जो हम ऐसे निकालेंगे। फिर हमें वाई का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जो हम ऐसे निकालेंगे। अभी जो वैल्यूज हमारे पास में है ना,
इन दोनों का यूज करते हुए x और y का कोऑर्डिनेट निकालिए कितना होगा। देखिए ux है मेरे पास में 3, टाइम है मेरे पास में 2 और ax है मेरे पास में 0, तो ये वैल्यू मेरे पास में निकल कर आएगी 6 मीटर। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, uy की वैल्यू है 0 हाफ, ay की वैल्यू है 4, टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 2, समझ आ रही बात। तो ये देखो ay की जगह रखेंगे 4, टाइम की जगह रखेंगे 2, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा भाई मेरे पास में 8 मीटर। आप रख के देख लीजिएगा, वैल्यूज आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 6, स्क्वायर करेंगे 36, वाई की वैल्यू है 8, स्क्वायर करेंगे 64, ये बनेगा अंडर रूट 100 और 100 का अंडर रूट होगा 10 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगी बच्चों 10 मीटर। यानी इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे सामने आ चुका है और प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 10 मीटर। समझ आ रही बच्चों बात? अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम में एक बड़ी शानदार बात हम लोगों से कही है बच्चों, वो क्या है जरा समझिएगा। इसी प्रॉब्लम में हमें ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए कहा है स्टूडेंट। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि पार्टिकल किस रास्ते से होकर जा रहा है, उस पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन क्या है एक्स और वाई के टर्म में। वेरी इजी, बहुत आसान है ये भी, बस कैसे करेंगे मुझे फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूले आप लोगों ने यहां लिखे हैं ना बच्चों, इन सब में वैल्यू पुट करो। बस एक काम करना, टाइम की जगह टाइम की वैल्यू मत रखना, टी ही छोड़ देना। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूले यहां लिखे हैं ना बच्चों, इनमें सारी वैल्यूज पुट करो ये वाली, बस टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट मत करना, टाइम की जगह टी ही पुट कर देना। देखो जरा मैं बताता हूं कैसे। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और टाइम की जगह टी, तो ये हो गया 3t। ए एक्स की जगह 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल गई है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, ये बचेगा हमारे पास में y इज इक्वल टू हाफ, ए वाई की वैल्यू है हमारे पास में 4 और ये हो गया टी स्क्वायर, ये बना 2t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3t, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ओके, एक काम करते हैं यहां से t की वैल्यू निकालते हैं और यहां से t की वैल्यू निकलकर एक्स अपॉन 3 और इस टी की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर देते हैं, देखो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू 2, टी की जगह रखेंगे एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाय 9। लो भैया ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास में और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। आगे आने वाले सवालों में आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि आगे कैसे करना है। बच्चों मैं आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए कराता हूँ क्योंकि फिजिक्स सीखने का मात्र तरीका यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नई नई सिचुएशंस, नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी तो तभी उन प्रॉब्लम्स को समझकर आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समझ आ रही है बात? आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो ये है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि सबसे पहला काम ये है आपको ux, uy, ax और ay, ये 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आगे का काम करना है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद में ux, uy, ax और ay को निकालिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा आपके सामने ux, यहाँ मैंने लिखा uy, यहाँ मैंने लिखा ax
और यहाँ मैंने लिखा ए वाई। ये चार टर्म है भाई हमारे पास में, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो, एट टाइम इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। वो मैं बताऊंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। द पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द वाई एक्सिस। देखो बच्चों, जो एक्सिलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो भी है अलोंग द वाई एक्सिस, यानी वाई की डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन। एक्स की डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों, या हो रही बात? एक्स की डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि एक्स की डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि प्रॉब्लम की लैंग्वेज में सिर्फ वाई की डायरेक्शन के एक्सिलरेशन की ही बात की है, एक्स की डायरेक्शन के एक्सिलरेशन की बात नहीं की है। इसीलिए हमने एक्स की डायरेक्शन में जीरो एक्सिलरेशन माना है बच्चों, और वाई की डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम लोग निकालते हैं यू एक्स और यू वाई की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मुझे इधर जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन आपको यहां ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बच्चों, ये है x और ये है y और ये है ओरिजिन। जो वेलोसिटी है अपने पास में वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है? तो हमने यहां बनाया 10 मीटर पर सेकेंड विद मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री, ओके? तो जब हम इसके कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट निकलेगा। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर कॉम्पोनेंट जाएगा 10, एंगल है ना, तो इधर बनेगा cos 37, इधर बनेगा 10 sin 37। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये 37 डिग्री का एंगल है, ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों। जब हमने कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक किया तो दो कॉम्पोनेंट हमारे सामने ब्रेक हो गए, 10 cos 37 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3/5, सॉरी cos 37 की वैल्यू है हमारे पास में 4/5, ये इससे कैंसिल आउट, 2 इधर आ चुका है 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों याद करनी पड़ेगी और आगे से आप याद भी रखिएगा कि cos 37 की जो वैल्यू है वो 4/5 है, ये हो गया है 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए 10 साइन 37 की जो वैल्यू है ना अपने पास में वो होती है 3/5, कैंसिल आउट, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। cos 37 4/5, साइन 37 3/5, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। अब आप देखिए y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो है 6, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 8, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, y की डायरेक्शन में वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चार हम लोगों को बेसिक पॉइंट चाहिए बच्चों, वो चारों हम लोगों को मिल चुके हैं। हमें यू एक्स भी मिल चुका है, हमें यू वाई भी मिल चुका है, हमें ए एक्स भी मिल चुका है, और हमें ए वाई भी मिल चुका है। टाइम की जो वैल्यू है वो हम लोगों को दी गई है स्टूडेंट 2 सेकेंड, टाइम हम लोगों को दिया है 2 सेकेंड, और हमें 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी बतानी है बच्चों कितनी होगी, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक्स की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। एक्स की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू है 8, एक्सिलरेशन की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू है 2, यानी ये हो गया 8 प्लस 0 इंटू 2, आंसर बना 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। हम बिल्कुल ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे वाई की डायरेक्शन में बच्चों। अब आप देखो यू वाई की वैल्यू है मेरे पास में 6, एक्सिलरेशन की वैल्यू है मेरे पास में 1, टाइम की वैल्यू है 2, ये निकल चुका है 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 8 मीटर पर सेकेंड,
फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये भी है 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है ना बच्चों, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू है 8, स्क्वायर करेंगे 64, ये भी 64 और ये हो गया अंडर रूट 128 यूनिट, ये आंसर बनेगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में ना बच्चो यूएक्स और यूवाई नहीं था, हमने यूएक्स और यूवाई बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली एक्स की डायरेक्शन में फाइनल 2 सेकंड के बाद, फिर हमने वाई की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकाली, तब जाकर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए इसी प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना होगा, इसी प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट इसी प्रॉब्लम के अंदर? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में ये बच्चों, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और अगर वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बताया मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रॉब्लम में एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये है और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब हम इन दोनों के अंदर सीधा वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। देखो बच्चों, यू एक्स की वैल्यू है 8 और टाइम की वैल्यू है 2, ए एक्स की वैल्यू है 0, तो ये बन गया हमारे पास में 8 × 2 यानी 16 मीटर, क्योंकि ए एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है। प्रॉब्लम की लैंग्वेज में हमें कहीं भी एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं दिया है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को 0 माना है। अब यहाँ देखो बच्चों, यू वाई की जो वैल्यू है मेरे पास में वह है 6, टाइम की वैल्यू है 2 हाफ, ए वाई की वैल्यू है मेरे पास में 1, टाइम की वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास में 14 मीटर, ये वैल्यू निकलेगी 14 मीटर। एक्स की वैल्यू है 16 मीटर, वाई की वैल्यू है 14 मीटर। अगर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यदि हमें बचो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो वेरी इजी, कैसे बताएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यहां वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो बच्चों, इन दोनों प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने ये देखा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो 4 चीजें हैं। वो कौन कौन सी हैं? यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई और टाइम। और अगर ये 4-5 चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है, फिर हम कैसी भी प्रॉब्लम बना सकते हैं 2D मोशन में।